हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। सो आज मतलब हम लोग आए हैं नदी के साइड में वीडियो बनाने के लिए, एडवांटेजेस ऑफ एप्रिलिया एसआर 150 एंड एप्रिलिया एसआर 160। सो हम इसे 5 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। सो एडवांटेजेस के ऊपर ही बनाएंगे। सो पिछले वाला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। सो देखो 5 पॉइंट्स क्या क्या है। इसका फर्स्ट एडवांटेज इसका सस्पेंशन सेटअप है, जो कि बहुत ही हार्डर साइड में है, जिसकी वजह से आपको अच्छी हाईवे स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग देखने को मिलता है। इसका जो सेकेंड एडवांटेज है वो इसके 14 इंचेस के बिगर एलॉय व्हील्स है दोनों ही बैक साइड एंड रियर में, और इस सेगमेंट में ये सबसे बड़ा है एंड दोनों ही 120 सेक्शन के टायर्स के साथ इक्विप्ड आते हैं, एंड जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा कॉर्नर ग्रिप एंड कॉन्फिडेंस मिलता है। इसका जो थर्ड एडवांटेज है वो इन दोनों के इंजन्स है जो इस सेगमेंट में सबसे बड़े आते हैं, जिसकी वजह से आपको टॉर्क एंड पावर फिगर्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूटर्स, एंड इन रियल वर्ल्ड भी ये मतलब दूसरे स्कूटर से अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। फोर्थ एडवांटेज है वो इसका ब्रेक्स है, जो कि 220 mm डिस्क कैलिपर होता है, और इसका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है, और इंडिया में यही एक ही स्कूटर है जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ एक्विप होता है, मतलब एक्विप है, और इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इससे बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, मतलब इसका ब्रेक्स का बाइट बहुत ही अच्छा है। एडवांटेज है वो मतलब इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया आगे और पीछे दोनों ही मतलब इक्वली है, और जिसकी वजह से आपका जो हैंडलिंग होता है बहुत ही शार्प हो जाता है, और जो इसका वेट रखा गया है ना 122 kgs ओनली, जो कि 150 cc के हिसाब से, मतलब अगर आपका इंजन 150 cc होगा तो आपका वेट थोड़ा ज़्यादा होना चाहता है, तो वेट टू पावर रेशियो इसका बहुत ही अच्छा है। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, एंड मैंने जो पिछले वाला वीडियो बनाया था डिसएडवांटेजेस, उसमें बहुत लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगा कि मैंने इस गाड़ी को अच्छा बुरा बोला, मतलब हर गाड़ियों का कुछ ना कुछ कमी होता है, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होता है। सो इसके जो अच्छाइयाँ था मैंने वो बोल दिया, और बुराइयाँ जो है वो भी मैं बोलूँगा ही ना। सो हेट मत करो, फैन बॉय भी मत बनो। सो यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।